हेलो डियर लर्नर्स, वंस मोर ग्रीटिंग्स फॉर द डे इन डे 10। और एक बार हमेशा की तरह मैं फिर उम्मीद रखता हूं कि आपने डे 9 पूरा कंप्लीट कर लिया होगा, उसके बाद ही डे 10 आप देख रहे होंगे। आज एक नई फैमिली के साथ, और आज की फैमिली में हैं 5 लेटर्स। देखते हैं कौन से, तो शुरू करते हैं। ये मुझे बताइए, आप इंग्लिश का जे बना लेते हैं? देखिए, जे बना लेते हैं ना, देखिए इसको कहां से शुरू करेंगे, जे यहां से शुरू करेंगे, ये बना लेंगे जे। देखिए ये हल्का सा कर्व होके ऐसे जा रहा है, देखिए यहां से शुरू कर रहे हैं और इस पॉइंट से कर्व होना शुरू हो रहा है। देखिए इस पॉइंट से कर्व हो रहा है, राइट। देखिए यहां से शुरू किया और इस पॉइंट से ये कर्व हो गया, देख रहे हैं। देखिए इस पॉइंट से कर्व होगा, यहां से शुरू किया और इस पॉइंट से ये कर्व हो गया। ये कर्व यहां आके नहीं है, या फिर ये यहीं से नहीं है, करेक्ट। कहां से कर्व है? ये यहां से कर्व है, यहां तक स्ट्रेट आएंगे और यहां से कर्व ले आएंगे, बना लेंगे ये जे। देखिए फिर से देखिए, बना सकते हैं ना जे ये, करेक्ट। इट्स वेरी सिंपल, कुछ है इसमें, इट्स वेरी वेरी सिंपल, राइट। देखिए फिर से है ये, इट्स वेरी सिंपल, राइट। अब आपको ये वाली फिगर याद है? याद है ना फिगर? ये क्या था? इसका इनवर्स था एंड ये पैरेलल था, याद है ना? तो ये बना लेते हैं ना, ये तो बना लेंगे हम, दिस पैरेलल अगर बनाना चाहेंगे ऊपर से नीचे, राइट, बना लेंगे ना, राइट। कैन वी मेक दिस? सो सिंपल, कुछ नहीं है इसमें। So, दो फिगर्स हमने अभी तक सीखी। आई गेस कि आप बीच में पॉज करके बना रहे होंगे, आप ऐसा नहीं कर रहे हैं कि आप नेटफ्लिक्स की तरह देखते जा रहे हैं। और ये मुझे हमेशा शिकायत रहती है उन लोगों से जो इसको नेटफ्लिक्स की सीरीज समझते हैं। देखिए ये शेप मैंने सीखी और मैंने ये सीखा, राइट। जरा एक बार मिलाते हैं इनको आपस में, देखिए क्या बनता है, ये क्या है, रा। अब रा का एग्जैक्ट शेप यही है, हम कैसे बनाते हैं, हम रा को ऐसे बनाते हैं, ऐसे करके और ऐसे लाते हैं, दिस इज एक्चुअली रॉन्ग रा। अभी फिर मैं कहूंगा देखो रॉन्ग राइट कुछ नहीं होता है, एक स्टैंडर्ड क्या है हम उसकी बात करेंगे। अगर आप ऐसा बनाते हैं तो दिस इज ऑल्सो नॉट बैड, आप पहले ऐसा कर्व बनाएंगे और कर्व बनाने के बाद आप यही वाली लाइन लेके आएंगे जो यहां बनाई थी, राइट, ये वाला स्टैंड, राइट। लेकिन एक्चुअल में कैसे बनेगा, एक्चुअल में बनेगा यहां से आप बनाएंगे जे और फिर आप ऐसे बनाएंगे एंड दिस इज र, राइट। सा कैसे बनेगा, वेरी सिंपल, दिस इज स, राइट। सो दीज आर टू लेटर्स जो हमने अभी तक सीखे। फिर से एक बार रिकैप करें तो हम जे बना रहे हैं और जे बनाने के बाद ये वाला स्लैंड बना रहे, दिस इज र एंड दिस इज स, राइट। अब प्रॉब्लम क्या थी सा बनने में, देखिए यहां तक तो आप ठीक बना लेंगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगी, ये लाइन आप स्ट्रेट नहीं बना पाएंगे, आपसे नहीं बनेगी, प्रैक्टिस चाहिए, राइट, स्ट्रेट। और आप फास्ट बनाएंगे तो बिल्कुल नहीं बनेगी। सो दिस इज स, दिस इज र। अब मैंने क्या बोला था, 5 अल्फाबेट होंगे, तीसरा कौन सा है, what is this, a, and what is this, a, right. So again let's do recap, this is r, this is s, this is a, this is A, right? Now, which is the fifth one, जो मैंने बोला था, अब सेम बनाना है, आपको यहां पर ये सर्कल कर देना है, राइट। ये हमने बनाया था ना, ये बनाया था ना,
बस सिंपल ये बना करके और सेम चीज आपको बनानी है. व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस श, सेम एग्जैक्टली सेम. आपको यहां पर से ही नीचे आना, देखिए यही आ रहे हैं आप, बट ये क्या कर दे रहे हैं, इसको आप ये कर दे रहे हैं. सो व्हाट इज दिस श. अब इसको दो लाइंस में ट्राई करें, आइए देखते हैं. र स ए ए श, राइट. अब इसे मिलाकर के कुछ अल्फाबेट लिखने की कोशिश करिए. आइए लिखते हैं राम, करेक्ट. सो दिस वॉज योर डे 10. डे 10 में हमने ये पांच सीखा और आई गेस आई एक्सपेक्ट कि आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे डे 11 शुरू करने से पहले. हो सकता है डे 11 आपका लॉक हो तो खुलेगा ही नहीं आपसे, आपको वीडियो ही नहीं दिखेगा. और अगर बाय चांस अनलॉक है, सिस्टम की कोई कमी है, सिस्टम ने अनलॉक कर रखा हुआ है, तो फिर आप उसको अपने आप नहीं देखेंगे डे 10 को पूरा प्रैक्टिस किए बिना. थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड.